नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ किचन में उपयोग होने वाली कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स, जो हमारे किचन के लिए काफी लाभदायक साबित होंगे। अगर आपके केले के चिप्स अच्छे क्रिस्पी नहीं बनते हैं, तो जब आप केले को तले ना, तब इसमें आप हल्दी नमक वाला पानी डाल दें। इससे क्या होता है कि तेल का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, उसके बाद तेल दोबारा से गर्म होता है, जिसकी वजह से आपके केले के चिप्स अच्छे क्रिस्पी बनेंगे और मार्केट से अच्छे बन के तैयार होंगे। केले के चिप्स को तलते समय बस एक बात का आप खास ध्यान रखें कि इसे तलते समय एक तो तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, दूसरा कि गैस का आँच आप हमेशा तेज रखें। तो ये हमारे केले के चिप्स तैयार हैं सर्व करने के लिए। अगर आप साबूदाने को भिंगोना भूल गए हैं और आपको टिक्की या कटलेट खाने की इच्छा है, तो आप इस टिप को फॉलो ज़रूर करें। आधा कप साबूदाना लें, साबूदाने को मिक्सी में डाल के पीस लें, और जब आप इसे पीस लेंगे तो ये हल्का सा दरदरा एक पाउडर तैयार हो जाएगा। अब आप दो मीडियम साइज के उबले हुए आलू लें। आलू को चाहे तो आप कद्दूकस कर लें या फिर हाथ से मैश कर लें, लेकिन इसमें एक भी गिल्टियाँ नहीं होनी चाहिए। एक चौथाई चम्मच आप इसमें डालें भुना हुआ जीरा पाउडर, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दें, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दें, थोड़ा सा ताज़ा बारीक कटी हुई हरी धनिया, आधा चम्मच नमक या नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब आप इसमें साबूदाने का पाउडर डाल दें, डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिश्रण एक जगह इकट्ठा होने लगा है तो अब आप यहाँ पे एक नींबू का रस डाल दें। नींबू का रस डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा मिश्रण हाथ में लें और इसको आप अपने मनपसंद शेप में बना लें। चाहे तो आप इसे ट्रायंगल शेप दे सकते हैं, टिक्की शेप दे सकते हैं या फिर कटलेट का शेप भी दे सकते हैं। तो ये सारे कटलेट तैयार हो गए हैं और इसे तलने के लिए तेल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए। तो एक एक करके सारे कटलेट तेल में डाल दें। अगर तेल आपका अच्छे से गर्म नहीं होगा तो ये कटलेट अच्छे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसे तलते समय गैस का आँच आप मीडियम रखें और जैसे ही इसके ऊपर अच्छा सा सुनहरा कलर आ जाए, आप इसे तेल में से निकाल लें। और ये देखिए, ये अंदर से कितना सॉफ्ट और ऊपर से कितना क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। अगर आपकी पूड़ियाँ अच्छी फूली फूली या नरम नहीं बनती हैं, तो इस टिप को आप फॉलो ज़रूर करें। आटे को गूंथते समय अगर आप 1 चम्मच तेल डाल दें, उसके बाद आटे को गूंथ के आप इसकी पूड़ियाँ या पराठे बनाएं, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो सारी पूड़ियाँ हैं वो अच्छी फूली फूली तो बनेंगी, साथ ही साथ ये काफ़ी देर तक अच्छी नरम रहेंगी। अगर आपके चावल अच्छे खिले खिले नहीं बनते हैं और आपस में चिपक जाते हैं, तो जब भी आप चावल को पकाएं ना, तब आप उसमें 1 चम्मच रिफाइन तेल डाल दें। चावल को तेज आंच पे 1 सीटी लगने तक पकाएं। जब इसका प्रेशर निकल जाए, तब आप इसे खोल के चेक कर लें। आपका चावल अच्छा खिला खिला बन के तैयार होगा। जब कभी भी आप पनीर की सब्जी बनाएं, तो लास्ट में आप इसमें थोड़ा सा बटर डाल दें। बटर डालने से सब्जी का स्वाद काफी बढ़ जाता है। अब आप इस सब्जी को गर्मा गर्म सर्व करें। आपको आज का कौन सा टिप्स पसंद आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित हो। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में। तब तक के लिए बाय बाय।